सर, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत जल्द ही CVT की परीक्षा होने वाली है, जिसमें आपको ट्रेड थ्योरी पेपर वन में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसी कड़ी में मैं कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को मैंने सेलेक्ट किया है और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आपके लिए आवश्यक है कि आप इन प्रश्नों को बढ़िया से अच्छे से हल कर लें और रिवाइज करते रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। और टॉपिक पर आने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान देना है कि सब्सक्राइब करते समय आपको सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और इसका लाभ आपको मिल सके। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेटल कोटिंग प्रोसेस। यहाँ पर एक जो है मेटल कोटिंग प्रोसेस का पिक्चर दिया गया है। ऑप्शन आपका ए है क्लैडिंग, बी है ग्लेवेनाइजिंग, सी है जो है सेरेडाइजिंग और डी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसका करेक्ट और सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? चलिए, इसका करेक्ट और सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये जो प्रोसेस दिया गया है ये हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट और सही आंसर है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि विच अलॉयिंग मेटल इम्प्रूव्स द टफनेस ऑफ स्टील एंड इज यूज टू मैन्युफैक्चर गियर्स एंड टूल्स। कह रहा है कि कौन सा जो है अलॉयिंग मेटल है जो इम्प्रूव्स करता है टफनेस को आपको बनाते समय गियर और टूल्स को। ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर बी कैडमियम, सी है वैनेडियम, डी है मोलिब्डेनम। तो आपका करेक्ट और सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट और सही आंसर। चलिए, मैं इसको टिक लगा लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी। फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड ऑफ इनवायर स्टील बिकॉज इट इच हैज। ऑप्शन नंबर ए वियर रेसिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी शॉक रेसिस्टेंस, ऑप्शन नंबर डी कोरोजन रेसिस्टेंस, ऑप्शन नंबर डी लिस्ट कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन। तो इसका करेक्ट और सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, लिस्ट कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन। ये मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए, मैं टिक लगा देता हूँ, ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट और सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि डैश इज बेसिकली एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ऑप्शन नंबर ए लेड, ऑप्शन नंबर बी ब्रास, ऑप्शन नंबर सी मुंज, ऑप्शन नंबर डी ब्रॉन्ज। तो आपको याद होगा कि कॉपर का एलॉय ब्रॉन्ज जो बनता है आपका कॉपर प्लस टिन, तो यहाँ पे टीन में कॉपर मिलाकर ब्रॉन्ज बना है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए, टिक लगा लिया। अगला प्रश्न है कि कॉपर इज जो है एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड अप्लायंसेस बिकॉज ऑफ, मतलब कॉपर का अधिकतर उपयोग जो है विद्युत के जो केबल्स हैं या उसके जो अप्लायंसेज हैं उनको बनाने में होते हैं, तो इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए डक्टाइल मेटल, ऑप्शन नंबर बी चीप इन कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी इजी सॉल्डरिंग, ऑप्शन नंबर डी हमारा है गुड कंडक्टर। तो इसका सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कॉपर हमारा गुड कंडक्टर होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न फ्रेंड्स, और देखते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ हैमरिंग कॉपर। कह रहे हैं कि कॉपर का हम हैमरिंग क्यों करते हैं। यहाँ एक पिक्चर दिखाया गया कि क्यों हम हैमरिंग कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए इम्प्रूव्स द शेप, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज द डक्टिलिटी, ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज इट्स ब्रिटलनेस,
ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी टेंसाइल स्ट्रेंथ। चलिए मैं डी को टिक मार लेता हूँ, ऑप्शन नंबर मेरा डी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट, और मतलब बॉक्साइट के अयस्क से कौन सा मेटल जो है निष्कर्षित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए टीन, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इसका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। डी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन इन कास्ट आयरन टू प्रमोट मशीनेबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए 6%, ऑप्शन नंबर बी 8%, ऑप्शन नंबर सी 10%, ऑप्शन नंबर डी 2.5%। इसका करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट और सही आंसर है 10%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस। यहाँ पे एक डिवाइस का पिक्चर दिया गया है, ये क्या है। ऑप्शन नंबर ए ड्रिल वाइस है, ऑप्शन नंबर बी पाइप वाइस है, ऑप्शन नंबर सी बेंच वाइस है, ऑप्शन नंबर डी मशीन वाइस है। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, यह हमारा पाइप वाइस का पिक्चर है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट और सही आंसर। चलिए मैं इसको टिक लगा लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्स एक्स इन जो है इंस्टॉलेशन पाइप रिंच। यहाँ पे एक पाइप रिंच का पिक्चर दिया गया है, तो एक्स से जो हम यहाँ इंडिकेट किया गया है ये क्या है। ऑप्शन नंबर ए पाइवट, बी स्प्रिंग, सी हैंडल, डी एडजस्टिंग नट। तो आपका करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट और सही आंसर है एडजस्टिंग नट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डैश एंगल इज प्रोवाइडेड इन एल्बोज एंड बेंड्स इन पाइपलाइन वर्क। आप देखते हैं कि जो पाइपलाइन वर्क में एल्बो का उपयोग होता है उसका एंगल कितना होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री एंड 45 डिग्री, बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, सी 20 डिग्री एंड 40 डिग्री, डी है हमारा 70 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो आपका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैंने इसे टिक मार लिया। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग। यहाँ पे एक पाइप फिटिंग का दिखाया गया है, ये कौन सा पाइप फिटिंग में ये जो यूज होता है ये क्या है। ऑप्शन आपका ए है प्लग कॉक है, बी है ग्लोब वाल्व है, सी नीडल वाल्व है, डी नॉन रिटर्न वाल्व है। तो यहाँ पे जब ऑप्शन है, अब चार ऑप्शन में एक सही है और वो सही आंसर हमारा ए प्लग कॉक। चलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि विच वाल्व इज यूज्ड फॉर फाइन कंट्रोल ऑफ फ्लो इन पाइपलाइन। ऑप्शन नंबर ए गेट वाल्व, बी ग्लोब वाल्व, सी नीडल वाल्व, डी नॉन रिटर्न वाल्व। तो यहाँ पे करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट और सही आंसर है। चलिए इसको मैं टिक लगा देता हूँ। तो सी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। हाउ टू रेसिटिफाई द ड्रिपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप इवन आफ्टर क्लोज्ड फॉर्मली। कह रहा है कि अगर हम अच्छे से बंद कर दिए हैं वाटर का पानी का जो है ड्रिपिंग को, तो वहाँ पे सीलिंग होने की क्या संभावना है, क्यों होती है। ऑप्शन ए है रिप्लेस टैप, बी है रिप्लेस वाटर, सी है रिप्लेस पैकिंग, डी है टाइटन स्टफिंग बॉक्स। तो इसमें आपको करना क्या है, तो रिप्लेस पैकिंग को आपको रिप्लेस करना है। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट और सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच टाइप ऑफ बुशेज आर यूज्ड इन जिग टू परफॉर्म मोर देन वन ऑपरेशन इन सेम लोकेशन। ऑप्शन नंबर ए स्लिप बुश, बी प्लेन बुश, सी फिक्स्ड बुश, डी लाइनर बुश।
तो करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा स्लिप बुश। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, व्हाट इज द नेम ऑफ क्लैंप। यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है क्लैंप का, तो बताना है कि कौन सा क्लैंप है। आपके स्क्रीन पर पिक्चर आप देख रहे हैं, ऑप्शन ए है हमारा कैम क्लैंप, बी है स्क्रू क्लैंप, सी है वेज क्लैंप और डी है टॉगल क्लैंप। तो इसका सही और करेक्ट आंसर है हमारा टॉगल क्लैंप। टॉगल क्लैंप मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैं उसको टिक लगा देता हूँ, ऑप्शन नंबर मेरा डी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, विच डिवाइस यूज टू होल्ड सपोर्ट लोकेट एंड आल्सो गाइड द कटिंग टूल ड्यूरिंग मशीनिंग ऑपरेशन। बोला वो कौन सा जो है युक्ति या डिवाइस है जिसका उपयोग जो है किसी टूल को सपोर्ट करने के लिए, होल्ड करने के लिए और उसको लोकेट करने के लिए, साथ ही साथ टूल कटिंग टूल को गाइड करने के लिए भी किया जाता है। ऑप्शन ए जी, बी फिक्चर, सी सी क्लैंप, डी मशीन वाइस। इसका करेक्ट और सही आंसर है जिग, ए ऑप्शन नंबर ए, ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेटिंग ब्लॉक्स यूज्ड इन फिक्चर। ऑप्शन ए पोजीशन द फिक्चर एंड वर्क, बी हमारा है पोजीशन द बैलेंसिंग वेट, सी है पोजीशन द कटर विथ फिक्चर, डी है पोजीशन द क्लैंप एंड लोकेटर्स। यहाँ ऑप्शन नंबर बी के जगह डी लिखा गया है, ये गलत है। चलिए इसका करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है पोजीशन द फिक्चर एंड वर्क। ए को मैंने टिक मार दिया, यहाँ पे ऑप्शन ए लिख लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है, व्हाट इज द नेम ऑफ बेल्ट फास्टनर। यहाँ पर एक फास्टनर का चित्र दिया गया है, आप देख कर बता सकते हैं कि ये कौन सा जो है बेल्ट फास्टनर है। ए है आपका लार्गले, बी है जैक्सन, सी है एलिगेटर टाइप और डी है जो है क्रिसेंट प्लेट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट और सही आंसर है, एलिगेटर टाइप का ये जो है बेल्ट फास्टनर है। चलिए ऑप्शन नंबर सी को मैंने टिक मार लिया, ये मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ की। एक की है जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका क्रॉस सेक्शन भी दिखाया गया है, तो ये हमारा कौन सा की है। ऑप्शन ए जिब की, बी है सेडल की, सी है फीदर की और डी है उड्रफ की। तो मेरा करेक्ट और सही आंसर है उड्रफ की, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पिक्चर उड्रफ की का दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि वाई द फेस ऑफ पुली इज क्राउंड इन पावर ट्रांसमिशन। कह रहा है कि पावर ट्रांसमिशन में पुली का जो फेस है वो क्राउंड क्यों रखा जाता है। ऑप्शन ए है इंक्रीज द टेंशन, बी है डिक्रीज द टेंशन, सी है कीप द बेल्ट सेंट्रलाइज्ड, डी है अलाउ फ्री रोटेशन ऑफ पुली। तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट और सही आंसर है, ये अलाउ फ्री रोटेशन ऑफ पुली के लिए जो बेल्ट का जो पुली है उसका फेस को क्राउन रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वाई फिल्टर इज इंस्टॉल इन सक्शन लाइन ऑफ हाइड्रोलिक पंप। ए है रिड्यूस द ऑयल टू इंटर, बी है रिड्यूस द ऑयल प्रेशर, प्रिवेंट फॉर्जन मैटर्स, रिड्यूस प्रेशर इन जो है प्यूरिटी। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट और सही आंसर है, प्रिवेंट फॉर्जन मैटर्स। चलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ की। की का क्या काम है। ऑप्शन ए है जॉइंट पार्ट्स, पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है। बी ट्रांसमिट टॉर्क, ये टॉर्क को जो है ट्रांसमिट करता है। सी जो है रेस्ट्रिक्ट मूविंग पार्ट और डी है जो है डिजिंगेज मूविंग पार्ट्स। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है हमारा ये ट्रांसमिट टॉर्क, टॉर्क को ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट और सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि विच ड्राइव यूज्ड फॉर
लॉग डिस्टेंस लार्जर अमाउंट ऑफ पावर, ऑप्शन ए बेल ड्राइव, बी गियर ड्राइव, सी रोप ड्राइव, डी चेन ड्राइव। इसका सही और करेक्ट आंसर है बेल ड्राइव। सबसे अधिक जो है बेल ड्राइव का उपयोग किया जाता है लंबी दूरी में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट एंड मार्क्स एक्स इन गियर। एक गियर का यहाँ पिक्चर दिया गया है कि ये कौन सा जो है पार्ट है। ए है फेस विड्थ, बी है टूथ डेप्थ, सी है एडेंडम और डी है डेडेंडम। इसका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एडेंडम। यहाँ एक्स से जो डिनोट किया गया है वो हमारा एडेंडम है। चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट और सही आंसर है। तो फ्रेंड्स आज मैंने कुल आपको 25 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनका आपको रिवाइज करवाया, इनके बारे में बताया। तो ऐसे ही प्रश्न को आप बराबर हल करें और उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए जो है बहुत ही मददगार साबित होगी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट्स बॉक्स में जा करके कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।